आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। खंडवा मार्ग पर हुई दुर्घटना, कंटेनर ने कार को मारी सामने से टक्कर। बासवा में दोपहिया वाहनों ने एक दूसरे से टकराए। सनावत, खंडवा मार्ग सोमवार को अलग अलग सड़क दुर्घटना हुई जिसमें 4 लोग घायल हुए। वहीं दोनों घटना के बाद पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल भिजवाया, वहीं वाहनों को अपने कब्जे में लिया। पहली घटना खंडवा मार्ग पर निजी पेट्रोल पंप के आगे घटित हुई, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने खंडवा की ओर से आ रही कार को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार महेंद्र कुमार जैन और उनका ड्राइवर देवराज महोदय घायल हुआ। ASI विजय राठौर ने बताया कि कार में सवार दोनों लोग इंदौर के निवासी हैं और खंडवा जा रहे थे, लेकिन खंडवा नहीं पहुंचते उससे पहले ही रास्ते से ही सनावत के लिए आ रहे थे, जहां सनावत के पूर्व मोड़ पर निजी पंप के पहले कार को टक्कर मार दी। इसमें जैन और गाड़ी के चालक को मामूली चोटें आई। वहीं वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जिसमें बासवा में पकड़कर चालक को हिरासत में लिया। दूसरी घटना ग्राम बासवा में घटित हुई, जहां दो पहिया वाहनों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोग घायल हुए। ASI शिव प्रसाद ने बताया, दो बाइक पर 4 सवार लोगों को दुर्घटना के बाद सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां 2 व्यक्तियों को चोट होने से उपचार किया, 2 अन्य बाइक सवारों को कोई चोट नहीं होने से डिस्चार्ज कर दिया। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। क्या घटना हो गई? ये कार यहाँ एक्सीडेंट हो गई थी। ये इंदौर के व्यापारी है, महेंद्र जैन करके, ये खंडवा जा रहे थे, लेकिन किसी काम से खंडवा न जाते हुए खंडवा तरफ से वापस आ गए। तो ये पेट्रोल पंप के सामने कंटेनर इंदौर तरफ से आ रहा था, उसने अपने वाहन को लापरवाही चलाकर इसको टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें दोनों व्यक्ति को सरकारी अस्पताल सलावत में भर्ती कराया। क्या हालत है दोनों की? एक को हाथ में लगी है, जैन साहब को कम लगी है, ड्राइवर को ज्यादा लगी है।